चलिए अब आपको सीधा वाराणसी ही ले चलते हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता नीतीश पांडे इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, अभी आपका इनपुट हम देख रहे थे अपनी रिपोर्ट में, आप बता रहे थे कि कैसे तैयारी है आज के इस महामंथन की, तो इस पर काम कब से शुरू हो जाएगा, आज क्या हलचल अभी से शुरू हो गई है कार्यकर्ताओं का या पदाधिकारियों का, वाराणसी में पहुंचना शुरू हो चुका है या वो वाराणसी में पहुंच चुके हैं? राजेंद्र जी, जो पदाधिकारी हैं वो वाराणसी पहुंच चुके हैं और बहुत सारे पदाधिकारी अभी थोड़ी देर में वाराणसी पहुंच जाएंगे। इस वक्त हम TFC में मौजूद हैं, दीनदयाल हस्तकला संकुल है ये, और देखिए यहाँ पर जो 800 कुर्सियाँ लगी हैं, मंच पूरी तरह से तैयार है। और सबसे खास बात, आज सुबह का समय है राजेंद्र जी, और सबसे खास बात हम उसकी चर्चा करेंगे जो यहाँ पर व्यंजनों के रूप में परोसा जाने वाला है और व्यंजनों को बनाने का जिम्मा यहाँ पर शरद को मिला है। शरद यहाँ पर है, क्या क्या बना रहे हैं आप लोग और इस पूरे आयोजन को लेकर कितने, कहते रहे हैं कि दो सत्र चलेंगे, दो सत्रों में धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह और इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, तो क्या है कैसे? पहले सत्र में जैसे कि उनको कढ़ी है, चावल है, तवे की रोटी है, भिंडी की भुजिया है, लौकी कोफ्ता है। दूसरे सत्र में बनारसी नाश्ता है, बनारसी कचौड़ियाँ हैं, सब्जी जलेबी है, केसरिया खीर है, फिर उनके लिए ब्लैक कॉफ़ी है, मतलब काफ़ी व्यंजन है जो सारे जितने भी पदाधिकारी उनके लिए बढ़िया से उनको परोसा जाए। इन जो व्यंजन को बनाने के लिए कैसे तैयारी की आपने और आज कितने बजे तक इसको तैयार कर दें? इसको हमको 12:30 बजे पहला जो सत्र है उस समय उनको लंच कराना है, शाम को फिर डिनर कराना है 6:30 बजे करीब। इसमें खास तौर पे खीर जो बता रहे हैं आप, केसरिया खीर और इसके साथ ही बनारसी कचौड़ी जलेबी, बनारस के ये है कि जो आ रहे हैं उनको बनारसी नाश्ता व्यंजन परोसा जाए, कचौड़ी सब्जी जलेबी है, मलैयो है, केसरिया खीर, जो यहाँ की पहचान है उनको परोसा जाए, बनारस की पहचान परोसने की बात है। अगर बात करें गृह मंत्री के लिए तो उनके लिए क्या आपने तैयारी? गृह मंत्री के लिए जैसे उनको ब्लैक कॉफी है उनके लिए, फिर हमने अलग से व्यंजन बनाया है जैसे उनके लिए सादा व्यंजन है, भिंडी की भुजिया है, लौकी की है, उनके लिए कचौड़ी सब्जी जलेबी है, केसरिया है, खीर है, बनारसी पान भी है, क्या बनारसी पान भी है उनके लिए। तो राजेंद्र जी, ये जो लिस्ट है, शरद ये बता रहे थे कि ये लिस्ट इन्होंने बनाई है आज के इस आयोजन को लेकर, दो सत्रों में बैठक, प्रथम सत्र में जो बैठक होगी, प्रथम सत्र की बैठक धर्मेंद्र प्रधान और राधा मोहन सिंह लेंगे, और उस जो सत्र की बैठक में काशी में अगर बात करें पिछले दिनों जो अभियान चले हैं उनका क्या अपडेट है, इसके साथ ही जो स्थानीय लेवल पर किस किस तरह की योजनाएं हैं और वो जनता तक कितनी पहुंची हैं और आगे किस तरह से पहुंचानी है, आगे किस तरह से कमर कस के मैदान में आना है, इन सब पर चर्चा होगी। और ठीक 5:15 के लगभग अमित शाह भी इस हॉल में प्रवेश करेंगे और इस हॉल में प्रवेश के साथ ही गृह मंत्री यहाँ पर लगभग 800 की संख्या में, अगर बात करें तो जिला अध्यक्ष और इसके साथ ही जिला प्रभारी और कितना ही नहीं, 403 विधानसभाओं के विधानसभा प्रभारी और जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री, एक चीज बताइए, एक बात स्पष्ट करिए नीतीश, के पहले सत्र में किस विषय पर मंथन होगा, चुनाव के लिए किस तरह से, पहले सत्र में क्या विषय होगा मंथन का और दूसरे सत्र में क्या विषय होगा मंथन का, दोनों सत्रों के सब्जेक्ट्स भी हमारे दर्शकों के सामने रखिए जिस पर मंथन होने वाला है। निश्चित तौर पे पहला सत्र जो कि 2:30 बजे से शुरू होगा बताया जा रहा है, पहले सत्र में जिस वक्त धर्मेंद्र प्रधान और राधा मोहन सिंह यहां पर मंच पर मौजूद रहेंगे और इस मंच से जो सबसे बड़ा जो यहां पर जिन चर्चाओं को किया जा रहा है, जिन चर्चाओं के बारे में ABP गंगा के पास जानकारी है वो ये है कि यहां पर जो सत्र चलेगा उसमें जो काशी की जनता है वहां तक योजनाएं कैसे पहुंची और काशी ही नहीं बल्कि प्रदेश में किस स्तर पर काम करना है, इन सारे विषयों को यहां पर रखा जाएगा। और अगर सत्रों की बात कर लें तो यहां पर कैसे चुनाव लड़ा जाए इस पर बात होगी, सदस्यता अभियान में तेजी लाएं इस पर बात होगी, बूथ स्तर पर तैयारियों को किस तरह से मजबूत किया जाए इस पर बात होगी, और इसके साथ ही राजेंद्र जी आपको बता दें कि सोशल मीडिया को, खासतौर पर सोशल मीडिया को कैसे एक्टिव आगे करना है इस पर भी चर्चा होगी, कमजोर सीटों की बात की जाएगी, जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कहीं कमजोर दिखाई दे रही है, हालांकि पार्टी स्तर पर इनका यह मानना है कि हम कहीं से कमजोर नहीं है, लेकिन फिर भी जो सच है जहां कमजोर है वहां पर कैसे अभेद्य किला तैयार किया जाए इस पर चर्चा होगी, इस पर बात होगी। और इसके साथ ही अगर बात करें तो 150 सीटों पर जहां पर कम अंतर से जीत हुई थी वहां पर आगे के समय में आने वाले चुनाव में किस तरह से रिकॉर्ड जीत दर्ज यहां पर दर्ज की जाए इस पर चर्चा होगी। और अगर दूसरे सत्र की बात करें तो इन सारी चर्चाओं को जोड़ते हुए आगे जब यहां पर गृह मंत्री अमित शाह होंगे तो उस दौरान
प्रदेश और केंद्र द्वारा लागू की गई योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचाएं, इस पर चर्चा होगी। और कोरोना काल में जिस तरह से आम जनता को मदद पहुंचाई गई, आम जनता किस तरह से, बिल्कुल नीतीश, और आने वाले चुनाव में ये बहुत अहम हो जाता है कि सरकार ने जो भी कामकाज किए हैं वो सही मैसेज के रूप में जनता तक पहुंचे, ताकि इसका लाभ चुनावों में मिल पाए। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, दिन भर आपके पास हम लौटेंगे बैठक की अपडेट के लिए। और अब बात करते हैं रामनगरी में।